रह गया वो रह गया। खैर ये आज की तारीख में तो दिस इज द इन थिंग। अच्छा नंदिनी जी शायद आज यही लेंगी। नंदिनी जी नमस्कार। जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हम फर्स्ट इनकी क्लास, स्पीकर के रूप में आज नंदिनी जी हैं, एंड आई थैंक यू सो मच थिंक फॉर हैविंग मी ओवर। मैं इट्स आवर समझ प्लेजर। 4:05 हो गए हैं। राजीव भाई आप स्टार्ट कीजिए। आज जनरल सेक्रेटरी महोदय मेरे ख्याल से कहीं पर भी व्यस्त थे, तो लेट्स स्टार्ट। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा ये प्रथा रही है, हम लोग समय समय पे रेगुलरली कोई ना कोई सेमिनार या वेबिनार के माध्यम से अपने सभी मेंबर इंडस्ट्रीज के लिए विभिन्न विषयों के ऊपर नॉलेज शेयरिंग टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं, जिससे कि हम अपने जो उद्योग चला रहे हैं उसमें किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सके, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, एफिशिएंसी हो, सेल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसी कड़ी में आज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये वेबिनार का आयोजन किया। डिजिटल मार्केटिंग आई बिलीव सभी समझते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नंदिनी जी उसकी निटी ग्रिटीज हमें आज समझाएंगी। नंदिनी जी, वेलकम टू यू। आपका परिचय मुझे ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बारे में बता नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप ही स्वयं अपने बारे में ब्रीफ में हम सबको बता दीजिए। तो जी बिल्कुल राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रीफ देते हुए, मेरी हिंदी में अभी पहले आपको सिर्फ अपने बारे में हल्का सा ब्रीफ बताना। जी, हाँ, उससे मतलब पहले टॉपिक को हम सबसे अभी आएंगे, जस्ट वी वांट योर इंट्रोडक्शन, बट मुझे आपके इंट्रोडक्शन का, आपकी प्रोफाइल का पता ज्ञान नहीं है, इसलिए आई कुडंट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस टुडे। राइट। सो आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड स्क्रोल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। एंड स्क्रोल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली हैंड होल्ड करता है एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। सो ये एक्सपीरियंस जो मुझे है इस फील्ड में, वो करीबन 8 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। सो हर साइज, हर तरह के, हर एरिया के एमएसएमईज के साथ हम लोगों ने काम किया। You are based out of what city? वे बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। Out of Delhi. Okay. And any particular product जिसमें आपका expertise है, या you are okay with all kind of MSME products? वी वर्क विद एमएसएमईज, डाइवर्स अमाउंट ऑफ एमएसएमईज। सो एवरीथिंग फ्रॉम Okay. प्लास्टिक की बॉल्स बनाने वाली कंपनी जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, टू पीवीसी पाइप कंपनीज, टू कंपनीज दैट आर मेकिंग पेंट्स, पीवीसी पैनल्स, टू इवन सर्विस लेड एमएसएमईज, वी हैव वर्क्ड अक्रॉस। फाइन। सो वेल ऑडियंस, तो आपने समझ जाना कि नंदिनी जी आज हम लोगों को, शी इज एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड शी लेट अस लर्न, हमें सिखाएंगी कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बेहतर करके डिजिटली वी कैन इंक्रीज आर सेल्स। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी से अनुग्रह करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस दे और आज के इस वेबिनार को शुरू करें। नीरज जी, टू यू। धन्यवाद उपाध्यक्ष राजीव बंसल जी। सबसे पहले तो हमारे जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पदाधिकारी, साथी एवं उद्यमी भाई जुड़े हुए हैं, एवं स्पेशली नंदिनी जी जो की स्पीकर के रूप में, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एमएसएमई के सामने है, नो डाउट फैक्ट्री लगाना सबसे आसान है, लेकिन माल बेचना अपने आप में सबसे डिफिकल्ट टास्क है। हम यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेनर्स बैठे हुए हैं, आज की तारीख में अगर हम देखें तो सुबह से शाम तक हमारा एक काम रहता है कि हम माल कहाँ बेचें, कैसे बेचें, किसको बेचें, कैसे हम अपने बायर तक पहुँच सकते हैं। आज हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं और भारत को विकसित भारत बनाना है, तो डेफिनेटली अपने अपने उद्योगों के हमारे माल ज़्यादा बिकने चाहिए। उस चीज़ के लिए नो डाउट एक माध्यम डिजिटल माध्यम है। वो डिजिटल माध्यम के माध्यम से हम अपने माल को कितनी आसानी से बेच सकते हैं,
इसके बारे में आज हमारे बीच में नंदिनी जी बताने वाली हैं। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक चैलेंज हम सबके समक्ष रहता है कि हम अपने माल को और अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ पर बेच सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि माल बनाना या प्रोडक्शन करना या फैक्ट्री लगाना कई बार अब हमें आसान लगता है विद रेस्पेक्ट टू माल बेचने के। नंदिनी जी, हमें उम्मीद करेंगे कि आप हमें डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उन सभी चीज़ों को बताने की तरफ बढ़ पाएंगे, जिससे कि हम छोटे उद्यमी, क्योंकि हम लोगों के पास एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट एबल टू पे एवरी मंथ ए ह्यूज अमाउंट। हम 1 लाख 2 लाख रुपए या 50,000 रुपये महीना शायद इस चीज के लिए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन खर्च कर सकते हैं जब हमारा आरओआई एक अच्छे तरीके से उस पर निकल के आए। तो पता तो हम सबको है कि डिजिटल मार्केटिंग पे अगर हम आएंगे तो हमारा माल बिक जाएगा, लेकिन उसको बेचने के लिए हमें क्या पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को में से कौन सी ब्रांच को हमें पकड़ने की जरूरत है जिससे हमारे प्रोडक्ट स्पेसिफिक हमें ज्यादा इजीली हम भेज पाए। हो सकता है कुछ हम में से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ लोग टेक्सटाइल्स से रिलेटेड हैं, कुछ लोग गारमेंट्स से रिलेटेड हैं, कुछ लोग एग्री बिजनेस में हैं, कुछ लोगों के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस है। तो मल्टीपल सेक्टर होने के नाते हर एक के लिए एक ही फॉर्मूला शायद अप्लाई ना हो पाए। तो आपको इन चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अगर गाइड करेंगे, माइट बी पॉसिबल हम में से कुछ ऐसे हों जो एक्सपोर्ट कर रहे हों और करने में इंटरेस्टेड हों डिजिटल मार्केटिंग का। मुझे उसमें आई एडीएफसी में ज्वाइन करना है। कोई एक बात नहीं, बार मैंने ज्वाइन करके एक बार हम वहां पर भी हम कैसे फायदा उठा सकते हैं सो दैट हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे, लर्निंग से ही अर्निंग होने वाली है। और हमारे बीच में यंग डायनामिक नंदिनी अवेलेबल है, इनके पास जितना इनका एक्सपीरियंस है या जो एजुकेशन है उसके बेस पर ही कुछ हमें गाइड करेंगे। हमें ज़रूरत है उसमें से एक चीज़ भी अगर हमने पकड़ ली तो शायद हमारी ये जो समस्या है माल बेचने की उसमें हमें काफ़ी सहयोग मिलने वाला है। राजीव जी, मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, माइट बी हाँ जी, पॉसिबल मेरे को एक और मीटिंग में ज्वाइन करना है, तो आई विल बी ऑन लिसनिंग मोड, बट आप इसको कैरी ऑन कीजिएगा विदाउट माई सेल्फ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, ओवर टू राजीव जी। राजीव जी प्लीज आगे बढ़ाएं इसको, आप म्यूट हैं राजीव भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज जी, थैंक यू, आपने सबको गाइड किया। ना मैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा नंदिनी जी को आमंत्रित करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग के विषय में हमारा ज्ञानवर्धन करें। ओवर टू यू जी नंदिनी जी। धन्यवाद राजीव जी। तो सबसे पहले आप सबको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। मेरी हिंदी भाषा में पकड़ बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, पर मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके यूज करने की कोशिश करूंगी। कहीं भी इट इज आपको ओके। लगे, हाँ, राइट, कहीं भी लगे कि कुछ इट हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज बताइएगा चैट में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एलैबोरेट। नंदिनी, नो वी नो, वी ऑल आर आर इक्वली गुड विद एंटरप्रेनर, इंग्लिश। वी ऑल वी आर आर एंटरप्रेनर एंड आवर बिजनेस लैंग्वेज इज इंग्लिश। कई बार कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो जैसा कि नीरज जी ने भी बताया और राजीव जी भी, जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं, दैट बिजनेस को जब ऑनलाइन हमें ग्रो करना है, बिजनेस को अदरवाइज भी ग्रो करना है, तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो एमएसएमईज भी होते हैं, उनके कुछ फिक्स्ड कस्टमर्स होते हैं जो उनसे बार बार माल भी खरीदते हैं, एंड दे फील कि हमें क्या मार्केटिंग की जरूरत है, हमारा तो ऑलरेडी बार बार कोई माल खरीद रहा है और हमारे बंधे हुए कस्टमर्स हैं, हमारे कुछ ही सर्टेन इंडस्ट्री में कस्टमर्स हैं, तो माल खरीदने के हमारे पास ऑलरेडी ऑडियंस है, तो हमें मार्केटिंग की एग्जैक्टली जरूरत क्यों है।
उनसे मेरा हमेशा पहला सवाल यही रहता है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। यूजुअली पहला क्वेश्चन क्या होता है, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क। द मोमेंट आप बताते हैं उनको कि हम ये करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो ऑन गूगल एंड पुट द नेम ऑफ योर कंपनी एंड सर्च फॉर इट। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट वी ऑब्जर्व। द मोमेंट मैं भी आपको अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगी और अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट फील होगा उस कंपनी के बारे में, आप पहली चीजें करेंगे कि गूगल पे उसका नाम सर्च करेंगे। हम इतने आदी हो चुके हैं गूगल यूज करने की, सबसे पहली चीज हम ये करते हैं, कुछ भी नई चीज देखते हैं गूगल पे सर्च करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपकी कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च किया और आप नहीं मिले, हमारे क्रेडिबिलिटी स्कोर की तो धज्जियां उड़ गई ना वे, बिकॉज हम उसे गूगल पे मिले नहीं और वैसे हम कह रहे हैं कि हम एक अच्छा व्यवसाय रन कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वेयर आर फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड। और फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट बहुत ईजी हो जाता है अगर हम डिजिटली प्रेजेंट होते हैं। सो आप सबको ये पूरी चीज को एक बेटर प्रोसेस से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाई है, जो मैं आराध्या जी से रिक्वेस्ट करूंगी शेयर करने के लिए, बिकॉज मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग एक्सेस नहीं है। तो आराध्या जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन, और मैं एक-एक करके आपको इन टॉपिक्स के थ्रू लेके जाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम हमें डिजिटली करनी चाहिए, क्या क्या मेथडोलॉजीज है। इस पूरे वेबिनार को बोरिंग ना बनाते हुए मैं बहुत सरफेस लेवल से कुछ चीजें आप सबको बताऊंगी, जहां पे आपको लगे दैट आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं, टेक्निकलिटी चाहते हैं, आप प्लीज या तो कमेंट्स में बताइएगा जरूर, नहीं तो हम आफ्टर द वेबिनार 100% कनेक्ट कर सकते हैं टू सी मैं आपको पर्सनल अटेंशन के साथ कैसे आपके बिजनेस को मैं और मेरी टीम हेल्प कर सकते हैं। सो शुरू करते हुए नमस्ते सबको, मेरा नाम नंदिनी चोपड़ा है। इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड आराध्या प्लीज। तो मेरा नाम नंदिनी चोपड़ा है और आज हम बात करने वाले हैं कि एमएसएमई को किस तरह एम्पावर किया जा सकता है डिजिटली बिजनेस ग्रो करने के लिए। उससे पहले छोटा सा संक्षेप में अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए, आई एम नंदिनी चोपड़ा, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड स्क्रोल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड द ट्रेडमार्क नेम ऑफ आवर कंपनी इज स्क्रोल्ड। सो इस नाम के बारे में थोड़ा सा बताते हुए, हम इंटरनेट पे चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हमें स्क्रोल करके इग्नोर करके निकल ना जाए, राइट? सो वी वांटेड टू मेक अ कंपनी वेयर यू आर नॉट गेटिंग स्क्रोल्ड बट यू आर गेटिंग स्क्रोल्ड इन अ वे दैट पीपल वांट टू सी मोर एंड मोर ऑफ यू, राइट? मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की काफी अर्ली स्टेज पे, जब से आप कह सकते हैं जब से होश संभाला मैं तब से एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तब से मैंने बिजनेस ही किया है और बिजनेसेस के साथ ही काम किया है। तो मेरा बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। हर छोटे बड़े बिजनेस के साथ काम करने के चैलेंजेस, काम करने के साथ ये समझ आए क्या चैलेंजेस बिजनेस फेस करते हैं, क्या उनके अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं एक्सेट्रा, वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। एंड वी आर वेरी पैशनेट एज अ टीम टू बिल्ड ब्रांड्स एंड शेप प्रोडक्ट्स। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर इज कि मुझे चीजों को 0 to 1 एंड देन 1 to 100 ले जाने में बहुत मजा आता है, और मेरी उसमें धीरे धीरे एक्सपर्टीज ग्रो विद राइट मेंटर्स। तो यही चीज है जो हम स्कूल में भी करते हैं, प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को बिल्ड करते हैं। वन सेकेंड, यस। सो द स्क्रोल टीम इज वेरी फ्रेंडली एंड डेडिकेटेड एंड इज ऑलवेज अवेलेबल टू एडवाइस व्हेन एवर यू शेयर एनीथिंग अबाउट योर बिजनेस दैट हम लोग का। मान लीजिए जैसे मैंने शेयर किया कि पीवीसी पाइप का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बिजनेस है, पेंट का बिजनेस है, बेसिक कुछ रॉ मटेरियल का बिजनेस है, हर एक बिजनेस को, लाइट्स बनाने का बिजनेस, हर एक बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है इंक्लूडिंग ट्रेडर्स इज व्हाट वी फोकस ऑन। इफ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बट उससे पहले अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट रियली आर एमएसएमईज। जैसा कि हम सबको फुल फॉर्म तो पता ही है, एमएसएमईज आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, वी ऑल नो एंड आर पीएम कीप्स टॉकिंग अबाउट इट, मोदी जी काफी इस बारे में बात भी करते हैं, दैट एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। एमएसएमईज अगर है तो ही वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हैं, इतने सारे लोगों को 60% 62% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, जीडीपी में एक मेजर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। तो एमएसएमई आर द बैकबोन। इफ वी आर एबल टू ग्रो एमएसएमईज, वी आर इन अ वे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन इन अ वेरी वेरी बिग वे। सो
दैट इज आवर फोकस ऑल्सो विद दिस वेबिनार कि एमएसएमई को और कैसे एम्पावर किया जाए ताकि हमारा नेशनल और एम्पावर्ड हो पाए एज अ होल. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को तो एमएसएमई सपोर्ट करती ही है, बट खुद को और बेटर कैसे सपोर्ट कर पाए. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टुडे. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एमएसएमई, इसकी जरूरत क्यों है? तो इसका बिग टाइम जो आंसर है वो नीरज जी ने भी दिया इस बात के दौरान कि धंधा तभी हम मान सकते हैं कि एक धंधा है, एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है, जब हम कहें कि उसमें सेलिंग हो रही है. द ट्रेड इज हैपनिंग इन अ वे दैट द कंपनी इज मेकिंग मनी. ट्रेड इस तरह हो रहा है कि कंपनी पैसा कमा पा रही है उससे. तो माल बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटअप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोग लाना उस फैक्ट्री में ताकि काम हो पाए, वो सब ठीक है, बट माल बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज ओनली अ बिजनेस व्हेन यू आर एबल टू सेल. सो इम्पॉर्टेंस डिजिटल मार्केटिंग की क्यों है? ताकि हम नए लोगों तक पहुंच पाए. हम हर समय अवेलेबल नहीं रह सकते, इसलिए हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, इसलिए हमारा सोशल मीडिया हैंडल अवेलेबल है, इसलिए हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन. सो डिजिटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देर इज सम टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प यू बी प्रेजेंट एनीवेयर एवरीवेयर ऑल द टाइम, राइट? तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, another we can move on. Okay, so what is the current digital landscape? Abhi exactly MSMEs kahan pe hai in the digital landscape ye samajhte hue. Digital adoption MSMEs ne is samay kis tarah se kiya? Most MSMEs are available on India Mart. जब भी कोई MSME form होता है तो पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को list कर देते हैं. लोगों की अपनी खुद की website नहीं होगी, but India Mart पे page जरूर होगा क्योंकि वहां से leads जाती है. इंडिया मार्ट के बहुत सारे हमने सब्सक्रिप्शन लेके रखे होते हैं, जस्ट डायल के सब्सक्रिप्शन लेके रखे होते हैं ताकि हमें लीड आए. बट माई क्वेश्चन इज दैट इनफ? कैन आई नो वेरी क्विकली इन द कॉमेंट्स कि क्या इंडिया मार्ट पे होना और क्या जस्ट डायल पे होना और इन लिस्टिकल प्लेटफॉर्म्स होना ताकि लीड्स आए, क्या ये काफी है? ओके, वी हैव वन नो. कैन आई गेट मोर पीपल रिस्पॉन्डिंग इन द चैट विंडो? डू यू थिंक इज दैट इनफ? Okay, to some extent, interesting. Depends on the nature of product, definitely Anupam sir. Exactly, that's my point. Like a few of us said, it is enough or it depends on the nature of the product. But for most businesses, it is not enough. उसके काफी सारे कारण है कि सिर्फ इंडिया मार्ट पे होना या सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होना काफी नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रोडक्ट कितना अच्छे से काम करता है, पोस्ट सेल सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिया उसके टेस्टिमोनियल्स कैसे हैं, प्रोडक्ट के और कौन से फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल पेज पे हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाती. अब प्रोडक्ट के बाद कौन कौन सी कंपनीज ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है वो तो मिल जाएगा, बट क्या हमें इंडिया मार्ट पे ये पता लग पाएगा कि व्हाट आर द कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, व्हाट एल्स इज कंपनी डूइंग, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी उन्होंने काम किया है, इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी. दैट्स वन. सेकेंड इज यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन एन ओशन विच इज फुल ऑफ शार्क्स. ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक इंडिया मार्ट इंसान ये नहीं देख रहा कि वो कौन सी कंपनी से कनेक्ट कर रहा है. दे जस्ट पुट एन इंक्वायरी बेसिस देयर रिक्वायरमेंट और वो स्पेसिफिकली आपकी कंपनी के पास आ ही नहीं रहा. 10, 15, 20, 50 लोगों से एक साथ टच बेस कर रहा है विदाउट रियली केयरिंग कौन सी कंपनी रिस्पॉन्ड करे कौन सी नहीं. सो दे आर नॉट लॉयल पीपल एट ऑल, दे आर जस्ट इंक्वायरिंग. तो इस पूरे ओशन में विच इज फुल ऑफ शार्क्स आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे? दिस इज वाया डिजिटल. अब बात करते हुए डिजिटल के बारे में, डिजिटल जाना है ये तो हमें समझ आया कि डिजिटल जाना इंपॉर्टेंट है, बट वाई आर स्टिल पीपल नॉट एबल टू गो डिजिटल? बिकॉज देर आर सम चैलेंजेस. अब कुछ चैलेंजेस जो एमएसएमई फेस करता है जिसमें से अगेन उस एक बहुत बड़ा चैलेंज जो नीरज सर ने शेयर किया वो ये कि इतना बजट नहीं होता टू शेल आउट ऑन मार्केटिंग. अनलाइक अ बिग कंपनी लाइक एन एशियन पेंट्स, बजाज, महिंद्रा, एमएसएमईज के पास इतना बड़ा बजट नहीं होता है. उनके पास एक छोटा सा पूल होता है जो वो मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकते हैं, वो भी लाइक अगेन रेफरिंग टू व्हाट नीरज सर सेड, दे नीड एन आरओआई सेंट्रिक अप्रोच. Beautifully so, that's what we focus on even at RN, and I'll share with you ROI centric approach pe hum kis tarah ja sakte hain. To pehla challenge to ye hai that
लिमिटेड फाइनेंशियल अलाउंस फॉर अस टू गो फॉर मार्केटिंग. सेकेंड इज अ लॉट ऑफ टाइम्स एम एस एम ई प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी एक्साइटिंग एज अ जोमैटो, एज अ मैकडोनल्ड्स, एज एन आईकिया विच इज द फर्नीचर कंपनी. इतने एक्साइटिंग नहीं होते एम एस एम ई प्रोडक्ट. बहुत बार एम एस एम ई प्रोडक्ट बहुत बेसिक होते हैं. एक बॉल बियरिंग की कंपनी है, एक खाद बनाने की कंपनी है, ट्रैक्टर का एक सर्टन स्पेयर पार्ट बनाने की कंपनी है. बहुत बार ऐसा होता है कि यार ऑनलाइन तो जाना है बट हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि क्या ही डालें सोशल मीडिया पे, क्या ही डालें हम यू नो एसईओ में, क्या ही डालें या क्या ब्लॉग्स लिखें उस पर, राइट? तो बहुत सारे बिजनेसेस को चैलेंज आता है कि कॉन्टेंट कैसे क्रिएट करें अगर ऑनलाइन जाना भी है. So that's another challenge. The third challenge is most people need somebody who's in the office doing a certain work. कोई बंदा है जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, बट हमेशा अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं तो एक प्राइस पे मिलते हैं, अच्छा डिजिटल पार्टनर बहुत बार नहीं मिल पाता है. तो काफी सारे ऐसे चैलेंजेस इंक्लूडिंग एन आर ओ आई सेंट्रिक अप्रोच हमने देखे एंड हमने अंडरस्टैंड किया कि उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ. इफ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Radha, can we move to the next slide, please? I see a question in the chat box. I'll be addressing that question towards the end. Okay, so key digital strategies for MSMEs. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत broadly discuss करने वाली हूँ क्या strategies हम use कर सकते हैं, but it's not a one size fits all कि एक strategy सबके लिए काम करेगी. इसलिए मैंने बहुत broad strategies यहाँ पे use किए. इसकी जो माइक्रो लेवल डिटेलिंग स्ट्रेटजीज है वो स्ट्रेटजीज बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है, व्हिच वी कैन केटर टू वंस वी गेट इन टच वन ऑन वन. बट द फर्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बिल्डिंग अ रोबस्ट ऑनलाइन प्रेजेंस. अब ऑनलाइन प्रेजेंस जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहली चीज जो लोग करते हैं आपको गूगल पे सर्च करते हैं, आपके बारे में सुनते ही, आपके बारे में जानते ही आपको गूगल पे सर्च करेंगे. बहुत सारे बिजनेसेस है जिन्होंने एक अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस बना, जिन्होंने एक अच्छी रेपुटेशन अपने क्लाइंट्स के साथ बना के रखी है, तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग उनके लिए बहुत काम करता है. बट दिस इज वन ट्रेंड दैट वी हैव ऑब्जर्व कि मैं अगर बताती भी हूँ किसी को कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, चेक इट आउट, एंड इवन व्हेन आई शेयर अ कॉन्टैक्ट नंबर, मोस्ट पीपल स्टिल गो चेक द वेबसाइट, चेक दैट कंपनी ऑन गूगल. वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के बावजूद लोग जाके सर्च करते हैं ऑनलाइन कि यार इनसे मैं जब बात करूँ तो मैं क्या बात करूँ. एवरीबडी इज शॉर्ट ऑफ टाइम, दे वॉन्ट अ वेरी फोकस्ड कॉन्वर्सेशन, दे नीड टू लर्न अबाउट यू बिफोर दे टॉक. So, अभी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाए? वन ऑफ द वेज टू डू दैट इज यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया. ऑफकोर्स वेबसाइट प्रेजेंस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडिया मार्ट एटसेट्रा इज इम्पॉर्टेंट, बट सोशल मीडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल की तरह यहाँ पे काम आता है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. इसके नेक्स्ट एनी वे मैंशन किया सर्च इंजन एंड लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, बट सोशल मीडिया यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम आता है, जिसे आई वॉज डिस्कसिंग. What projects are you working on? What client testimonials, etc. is fine. But most important is content. Behind the scenes, अगर आप किसी को factory में आपके क्या चल रहा है आप उसमें एक behind the scenes थोड़ा सा डालते हो, that this is the effort that goes behind giving you the product that we give you. Or something very simple as कि एक customer ने एक product खरीदा, उसकी post sale service कैसी गई, post sale service का process क्या है. एक brand को कोई offer run करना है, ब्रांड को कोई लीड्स जनरेट करनी है तो किस तरह की जाए. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो नए हैं, अपकमिंग हैं, जिनको लीड्स जनरेट करनी होती है ऑनलाइन. इसमें जैसे अनुराग चाचा ने कर रखा है, हाँ जी म्यूट कर लीजिए नंद जी, कैरी ऑन. हाँ सर, कर दिया है, म्यूट कर दिया. ओके, सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें अपनी एड्स रन करना शुरू करना है, लीड्स जनरेट करना शुरू करना है. बट अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो लीड जनरेट करने के बाद लीड क्लिक करेगी, कोई भी लीड होगी वो क्लिक करेगी एंड दे विल गेट आइदर ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑन योर वेबसाइट. इफ दे गेट ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उन्होंने देखा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ है ही नहीं, आपके मात्र 40, 50, 100, 200 फॉलोअर्स हैं, इमीडिएटली अगेन आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल स्टैंड पे आपकी खड़ी हो जाती है. दैट ये कंपनी ऑलरेडी इतना रेवेन्यू कर रही है बट दे डोंट हैव मच फॉलोअर्स, इन्होंने कॉन्टेंट अच्छे से नहीं डाला है, या इनके सोशल मीडिया पे सिर्फ हर पोस्ट पे 3, 4, 5 लाइक्स हैं. बहुत एमएसएमईज के साथ ये केस है.
दैट 3-4-5 लाइक्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीट नहीं लग रहा है या वेबसाइट बिल्कुल नीट नहीं लग रही, सडनली वो क्रेडिबिलिटी चली जाती है. वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज्यादा है, सडनली अ पर्सन गोस एंड लीव्स दैट पेज. सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम डेली देखते हैं एमएसएमईज फेस करते हैं. सिमिलरली अगर आप मार्केटिंग फनल को समझें, फनल ये समझाते हैं कि लीड की जर्नी कैसी रहती है. तो मार्केटिंग फनल को अगर हम समझे तो द फर्स्ट स्टेप इन द लीड जर्नी इज ऑलवेज अवेयरनेस. दैट अवेयरनेस विल कम आइदर फ्रॉम सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स और फ्रॉम सोशल मीडिया हैंडल्स. सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स की जो अवेयरनेस होती है वो पुल अवेयरनेस होती है, जहाँ पे कोई आपके बारे में जानना चाहता है और आपके बारे में सर्च करता है. दैट्स अ पुल अवेयरनेस. पुश इज जब आपको ऑलरेडी पता है कि फेसबुक बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, जो जो लोगों का इंटरेस्ट आपके साथ मैच कर रहा है उन लोगों को आपकी एड दिखाने लगता है. राइट, हम सबको फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म चलाते हुए एड्स नजर आते होंगे. वो प्रोडक्ट्स वो नहीं है जो हमने सर्च किए हैं, बट हमारे इंटरेस्ट को देख के हमें वो एड्स दिखाने लगता है जिसमें उसे लगता है हम इंटरेस्टेड होंगे. सो दैट्स अ पुश मार्केटिंग दैट मेटा डज, विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटा नाउ. व्हाट्सएप कैंपेन्स भी फेसबुक के एड कैंपेन मैनेजर से रन किए जा सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस. सेकेंड स्टेप इज कंसिडरेशन, जहाँ पे लीड एक कस्टमर कंसिडर कर रहा है कि क्या मुझे इन लोगों को अपना बिजनेस देना है या नहीं देना है, या क्या मुझे इस कंपनी के साथ डीलिंग करनी है या नहीं करनी है. अगेन वेबसाइट प्लेज अ मेजर रोल इन कंसिडरेशन, क्योंकि वो देखने के बाद वो आपको कॉल करते हैं. इंडिया मार्ट डेफिनेटली इज देयर, बट इंडिया मार्ट पे तो एक फॉर्म भरा, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया एंड देन अ लॉट ऑफ कॉल स्टार्ट हैपनिंग. बट इफ यू वांट देम टू रिमेंबर द नेम ऑफ योर ब्रांड, इट इज ऑलवेज अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आफ्टर दैट हैपेंस कन्वर्जन, वेर यू गिव अ पर्टिकुलर सर्विस टू द कस्टमर. जब आप सर्विस देते हैं और आपकी पोस्ट सेल सर्विस बहुत अच्छी रहती है, इज वेयर द कस्टमर बिकम्स लॉयल टू यू. सो द मार्केटिंग फनल इज सच, इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस, देन कंसिडरेशन, देन कन्वर्जन एंड देन लॉयल्टी. इन चार फेजेस में ऊपर के जो दो लेवल्स हैं, विच इज अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, कैन ओनली हैपन इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस. इट इज समथिंग आई कांट एम्फसाइज मोर ऑन, दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस. बट इस पूरे गेम में हु इज द किंग, वॉट इज नीडेड द मोस्ट? आपने डिसाइड कर लिया मुझे प्रेजेंस चाहिए, उसके बाद वॉट इज द किंग, हु इज द किंग ऑफ दिस ओवरऑल सिस्टम? इट इज कॉन्टेंट. अगर आप अपनी कंपनी के बारे में इनफ कॉन्टेंट आउट देयर डालते हैं, अपने एंटरप्राइज के बारे में इनफ कॉन्टेंट आउट देयर डालते हैं कि वेन पीपल सी इट, उन्हें बार बार एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में दिख रहा है, और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कुछ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, बार बार उन्हें दिख रहा है कि आपने नया माल डाला है, आपने कुछ ऑफर्स रन किए हैं, कोई कस्टमर का टेस्टिमोनियल रन किया है, उसके माइंड में ये इमेज सॉलिडिफाई होती रहेगी कि दिस इज अ गुड कंपनी. जब भी उसको कोई जरूरत होगी या किसी और को जरूरत होगी, वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में बात करेंगे. इसको हम इन मार्केटिंग साइकोलॉजी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इफेक्ट. फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऐसे रोल प्ले करता है दैट जब भी आप बार बार अपनी कंपनी के बारे में किसी को बताते हैं, इंक्लूडिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, लाइकलीनेस ऑफ देम इंगेजिंग विद योर कंपनी इंक्रीजेस. राइट, सो एनीथिंग टिल हियर दैट इज अनक्लियर? एनीथिंग दैट यू वॉन्ट मी टू एलेबोरेट ऑन, कैन मेंशन इन द चैट. एनीबडी इफ नीड्स टू आस्क सम क्वेश्चन तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए बिफोर नंदी जी प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। नंदी जी मैं कुछ पूछना चाह रहा था। शुड आई प्लीज प्लीज प्लीज, कैन यू हियर मी? हाँ यार आई कैन हियर. आपने खैर देर इज नो डाउट कि भी डिजिटल प्रेजेंस आज के सिनेरियो में इज नीडेड। अब डिजिटल के लिए वन इज यू सेट द वेबसाइट तो और अनदर इज द सोशल मीडिया। तो डू यू सजेस्ट के सोशल मीडिया लाइक फेसबुक पेज और लिंकड इन पेज और इंस्टाग्राम पेज शायद यूट्यूब और भी बहुत सी चीज़ें आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ तो उन सब पे अपना पेज बनाए और उसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहे रेगुलरली सो दैट कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंटली एज यू सेड की फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए कि कुछ दिख रहा है। 100%. That's exactly what I एंड meant, Rajiv ji. फाइन अच्छा इन एडिशन टू दैट अपनी वेबसाइट होनी भी कितनी जरूरी है और कितनी इलाबोरेटिव होनी चाहिए हाउ मतलब पेजेस और इन व्हाटएवर सेंस यू कैन एक्सप्लेन।
एंड स्पेशली वी पीपल, जो हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो B2C की जगह B2B बिजनेस करते हैं, तो वहां ये चीज कितनी मदद कर सकती है? B2C तो मैं फिर भी समझता हूँ डेफिनेटली मदद करेगी डिजिटल मार्केटिंग। एब्सोल्युटली. सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हुए राजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि क्या मेरा यही मतलब था कि हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ पोस्ट करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई मीन, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द रीजन कि प्लेटफॉर्म एक्टिव रहेगा, बट ऑल्सो फॉर द वेरी सिंपल रीजन, जो भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करेंगे या यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, गूगल उसको रीड करने लगेगा साथ साथ में. यानी कि आप ये इट सोच के ऑटोमेटिकली देखिए, डज दैट, इट ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डज एब्सोल्युटली ऑटोमेटिकली वो रीड करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप, आपकी कंपनी का नाम ऑलरेडी प्रेजेंट है इंस्टाग्राम पे, तो द मोमेंट मान लीजिए कंपनी का नाम है स्कोर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, राइट, द मोमेंट गूगल पे स्कोर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड डालेंगे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी गूगल को दिखाएगा ऑब्वियसली आपको. अगर इंस्टाग्राम अवेलेबल होगा तो वो दिखाएगा, यूट्यूब अवेलेबल होगा तो वो दिखाएगा. अब ये हर लिंक जो है ये थोड़ी सी स्पेस खाता है YouTube पे या गूगल के सर्च पेज की. इसका मतलब ये कि अगर आपने कुछ सर्च किया और आपके फर्स्ट पेज पे जिसमें 10 सर्चेज होते हैं, फर्स्ट पेज पे पूरा आप ही की कंपनी के बारे में, सेकंड पूरा आप ही की कंपनी के बारे में, बाय डिफॉल्ट एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई कि इतना सारा कंटेंट है ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में, अनलाइक वेर यू हैव जस्ट वन लिंक विच इज द इंडिया मार्ट लिंक, उसके अलावा कुछ है ही नहीं. तो द मोमेंट किसी ने सर्च किया कि हीट प्रूफ सीमेंट से फॉर इंस्टेंस, तो अगर किसी ने हीट प्रूफ सीमेंट सर्च किया और कंपनी का नाम लिखा हीट प्रूफ सीमेंट और वट एवर द नेम ऑफ द कंपनी, और उसमें एक ही लिंक आया, नेक्स्ट सर्च बाय डिफॉल्ट किसकी होगी? आपके कंपेटिटर की होगी, क्योंकि हीट प्रूफ सीमेंट तो वो भी सेल कर रहे हैं. अगर गूगल को इनफ सर्चेज नहीं मिलेंगे तो वो पेज खाली छोड़ेगा नहीं, वो आपके कंपेटिटर का इन्फॉर्मेशन डाल देगा, फिर उसके नेक्स्ट कंपेटिटर का, नेक्स्ट कंपेटिटर का, तो आपका वो जो पेज जो सिर्फ आपका हो सकता था उसकी माइलेज बाय डिफॉल्ट आपके कंपेटिटर को मिलना तो उसके लिए मतलब डू यू नीड टू हैव सम प्रोफेशनल सेटिंग हु इज रेगुलरली पोस्टिंग समथिंग और अदर? चाहिए. सो देर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. वन इज ऑफ कोर्स हैविंग एन इन हाउस पर्सन जो आपके ऑफिस में बैठ के ये सारा काम कर सके, बट अगेन इन हाउस पर्सन मे बी वन पर्सन हु इज ऑल्सो मेकिंग ग्राफिक्स, जो वेबसाइट भी बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, जो कॉन्टेंट भी बना रहे हैं, बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट अ वन पर्सन जॉब, इट्स अ टू टू थ्री पीपल जॉब, बट जैसे ही आप 2 से 3 लोग हायर करेंगे तो आपका बजट ऊपर चला जाएगा, विच इज वाई वी सजेस्ट कि दो तरीके हैं अगेन इसको करने के. वी सजेस्ट अ वेरी स्पेसिफिक एजेंसी दैट डज इट, और वी सजेस्ट फ्रीलांसर्स. फ्रीलांसर्स क्रेडिबिलिटी इश्यूज आते हैं वहाँ पे, क्योंकि फ्रीलांसर अगर आपके साथ काम कर रहा है एंड देन फ्रीलांसर भाग गया मान लीजिए, तो इट्स नॉट अ कंपनी, आप किसके पीछे जाएंगे? फोन पे आप ऑलरेडी फ्रीलांसर से कनेक्ट कर रहे थे, आप उसको बोल रहे थे ये काम भेज दो वो काम भेज दो, एंड बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मेरे ऐसा हुआ है दैट दे सेड फ्रीलांसर ने वेबसाइट बनाई थी, उसको हमने कुछ चेंजेस बताए, उसने वो चेंजेस प्रॉपरली किए नहीं, तो हमने उसका एक लास्ट ट्रांच ऑफ पेमेंट हमने कहा चेंजेस कर दीजिए, हम आपका पेमेंट क्लियर कर देंगे. फ्रीलांसर ने चेंजेस ना करके वेबसाइट डाउन कर दी, फोन उठाना बंद कर दिया. व्हाट कैन यू डू? इट्स जस्ट अ पर्सन, इट्स नॉट अ कंपनी, आपको इन्फॉर्मेशन ही इतनी नहीं है उसके बारे में. सो ये चैलेंजेस, आई मीन दैट्स व्हाट हैपेंस. हमारे पास भी ऐसा होता है कि बहुत लोग घर घर का पानी पीते हैं, फिर आके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आई, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है. It सो happened with दिस me also about 20 years back. राइट राइट दिस हैपेंस अ लॉट, स्पेशली विथ फ्रीलांसर्स. दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई बीइंग प्रेजेंट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स इज इम्पोर्टेंट. आपको ज्यादा माइलेज मिलता है ऑनलाइन. आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन कि डिजिटल मार्केटिंग B2B बिजनेसेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो इसका आंसर मैंने ब्रीफली पीछे दिया था, विच इज द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट. तो जो B2B बिजनेसेस है उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बट द साइज ऑफ बिजनेस हर कस्टमर जो देता है वो बड़ा होता है, राइट, इन अनलाइक B2C जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, टिकट साइज छोटा 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 होता है. अब इस केस में B2B बिजनेस में इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. अगेन दो तरह से किया जा सकता है, वन प्रमोटिंग द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द MSME, जो बहुत कम फाउंडर्स करते हैं, एंड वी रियली पुश, जितने
डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जितने फाउंडर्स एमडीज हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उन्हें बहुत पुश करते हैं कि सर आप कंटेंट डालिए, आप क्रेडिबल फेस हैं, आप जब कंटेंट डालेंगे, मैम आप जब कंटेंट डालेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम 30 इयर्स 40 इयर्स एक्सपीरियंस एंड इज टॉकिंग ऑन यूट्यूब थिंग टेलिंग कि हमने इन इन प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है, ये हमने डिलीवर किया है, इन इन बड़ी कंपनीज के साथ हमने इतना टर्नओवर अचीव किया है एटसेट्रा, इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट एज कंपेयर टू जस्ट अ ग्राफिक जो सो एंड सो कंपनी विशेज यू हैप्पी दिवाली। सो कितने लोगों को तो आई एम श्योर यहाँ पे भी लगता होगा कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना मार्केटिंग है, सिर्फ हैप्पी दिवाली हैप्पी होली जैसी पोस्ट डालना या प्रोडक्ट की पिक्चर डालना ही मार्केटिंग है, विच इज अ बिग मिसकंसेप्शन वी कॉन्स्टेंटली ट्राई टू ब्रेक। सो बी टू बी बिजनेसेस के लिए अगेन द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हम फ्रीक्वेंटली बार बार अपने कस्टमर्स को दिखते रहेंगे उतना हम उन्हें याद आते रहेंगे, उतना हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज गेन करेंगे और हमें पुश किया जाएगा बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड देयर एल्गोरिथम्स टू स्टे ऑन द टॉप। बाकी अगेन फॉर बी टू बी बिजनेसेस वी रेकमेंड मेथड्स लाइक हाउ टू बी मोर पॉपुलर इन अ सर्टेन नीश, जब एक्सपोज होते हैं तो उन एक्सपोज का बहुत सारा डेटा हमारे पास आता है, उस डेटा को किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह व्हाट्सएप मार्केटिंग की जा सकती है उस डेटा पे, किस तरह इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से भी डेटा फेच किया जा सकता है, अब तो विद द हेल्प ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है दैट डेटा स्क्रैपिंग की जा सकती है। तो जितने भी मान लीजिए राजीव जी आपने बताया कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं या मैकेनिक्स है, से फॉर इंस्टेंस ऑल द मैकेनिक शॉप्स दैट आर देयर, हमारे लिए बहुत आसान है डेटा स्क्रैपिंग टूल से सारे मैकेनिक्स का डेटा निकालना और उन्हें व्हाट्सएप पे बताना कि ये ऑफर है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा ब्रोशर है, इफ यू आर इंटरेस्टेड गेट बैक टू अस एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग लीड्स। What kind of data you pull out? The names, the numbers. Everything can be pulled out. It's publicly available data. There are tools to pull any kind of data which is publicly available. Fine, that's something new to me. Right. Achha, So could you also name some of the important social media platforms where one should be present? absolutely. So again, depending upon the nature of business, मान लीजिए अगर नेचर ऑफ बिजनेस पुल बिजनेस है, यानी कि लोग आपके बारे में सर्च करेंगे तो ही आपका बिजनेस इट कैन बी पुश्ड। से फॉर इंस्टेंस आई वांट टू सेल टेक्सटाइल मशीनरी, मैं इंस्टाग्राम पे अगर एड्स रन करूँ टेक्सटाइल मशीनरी की और जो जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उन्हें मशीनरी दिखाने लगूँ तो क्या मेरी मशीन बिकेगी? वेरी लेस चांसेस, बिकॉज मैं रैंडमली लोगों को दिखा रही हूँ कि मशीन खरीद लो, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स अ पुल बिजनेस। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं अपना सोशल अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा करूँ, डिजिटल प्रेजेंस वेबसाइट की बहुत अच्छी रखूँ, यूट्यूब की बहुत अच्छी रखूँ, बिकॉज यूट्यूब इज ऑल्सो अ पुल प्लेटफॉर्म, उस केस में क्या होगा, द मोमेंट समबडी सर्चेज आई पॉप अप एट द टॉप। तो डिपेंड्स व्हाट प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर एक B2C बिजनेस है, इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, फेसबुक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हाट्सएप इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट इफ इट्स अ फुल बिजनेस देन द प्लेटफॉर्म टू बी एट इज कोरा, इज यूट्यूब, इज गूगल मेजरली। ऑफकोर्स उसके अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंपनी की, हमारे पास कुछ लिस्टेड कंपनीज है जो MSMEs हैं और लिस्टेड है, उनके लिए वी ऑल्सो मैनेज ट्विटर, वी ऑल्सो मैनेज पिंटरेस्ट, बट दैट इज वेन यू हैव टू डू ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको अपने क्लाइंट के फीडबैक्स बहुत ज्यादा शेयर करने हैं, आपको कोई इशू आया है और किसी क्लाइंट ने ट्विटर पर लिखा था आपको रिवर्ट करना है, ट्विटर कम स्लाइटली लेटर। फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू फोकस ऑन इज द गूगल फैमिली एंड द मेटा फैमिली। गूगल फैमिली इज गूगल, यूट्यूब एंड टू पार्टली कोरा, कोरा गूगल की कंपनी नहीं है बट पार्टली कोरा, तो गूगल यूट्यूब कोरा इज वन फैमिली दैट शुड बी फोकस्ड ऑन फॉर फुल बिजनेसेस, जो लोग सर्च करेंगे तो ही उनको उस बिजनेस की नीड है, नहीं तो नहीं है। ऑन द अदर हैंड पुश बिजनेसेस इट्स मेटा फैमिली विच इज इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप। I have a आई थिंक question. वी हैव सम मोर Anybody क्वेश्चंस। else? Anybody else who wants to ask something? Ma'am, I have a question.
हाँ प्लीज। हाँ जी मैम। सो मैम, आई वांटेड टू आस्क, मैंने फेसबुक पे ट्राई किया अपना मार्केटिंग करने का। आई क्रिएटेड अ कस्टम ऑडियंस जो एजेंसी के थ्रू मैंने बनाई अपना, सारी चीज़ें करके मैंने ट्राई करा। सो इट वाज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब रिजल्ट वाज नॉट दैट गुड। तो गूगल का मेरे को एक डाउट था, बिकॉज एज फार एज आई हैव हर्ड कि वहाँ पे जब मतलब पीपीसी होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड हो जाते हैं, लाइक पर क्लिक अगर कोई इंक्वायर भी कर रहा है तब भी पैसे चले जाएंगे एंड उसको मतलब कुछ रिटर्न भी नहीं मिलेगा और हमारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे वहाँ पे। मतलब आई हैव अ वेबसाइट और वो चीज़ एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर वहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो आई एम स्कैर्ड अबाउट दैट। Understood. So, I think Mr. Verma, this is a very specific query and I need more information to be able to help you out. If you're comfortable, we can connect after this call and I can, put you on a call with my Google expert and they can help you out. I ओके know the query that you're talking about और किस तरह इतना बर्न किए बिना हम बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। मतलब मैम, एज सर सेड कि B2B के लिए इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि यू ऑल्सो मेंशन दैट इट इज नॉट अ पुश बिजनेस। हम लोग अगर इंस्टाग्राम पे करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री के लोग हमको मिलेंगे कि नहीं, सो दैट इज वेरी अनलाइकली। राइट व्हाट्सएप पे भी टारगेट करो तो पीपल टेंड टू स्किप दैट मैसेजेस, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं। वी डोंट फाइंड दैट ऑडियंस ऑन फेसबुक, क्योंकि प्रोफेशनल नंबर और पर्सनल नंबर अलग अलग होता है सबका। राइट तो मतलब वहां कनुलील, आई पे भी थिंक दंद्रिन जी ने जैसे आपको कहा डिटेल में, आप चाहे बाद में कनेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, लेट्स मूव अहेड। नंदन जी, आई थिंक लेट्स गो टू द, आप 100% आई विल भी बी आंसर कर दीजिए। help after this webinar. So now coming to couple of tactical tips. So again, हमने अभी इतनी बात की कि भी कितना important है to be found. So the first thing, and I'm again repetitively saying this also, is that the first thing is to be found, right? आप कोई ढूंढे तो आप मिल जाए, आपकी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई अगर आपको ढूंढे तो आप मिल जाने चाहिए। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है टू गो अबाउट, दिस इज फर्स्ट स्टेप। द मोमेंट यू आर फाउंड, द सेकेंड स्टेप इज टू बी रिमेम्बर्ड बाय पीपल। सो बीइंग फाउंड इज द फर्स्ट स्टेप, बीइंग रिमेम्बर्ड इज द सेकेंड स्टेप, राइट? सो बीइंग फाउंड किस में आ गया, जैसे मैंने मार्केटिंग फनल की भी बात की, बीइंग फाउंड इज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस। जैसे किसी ने सर्च किया, आपकी ब्रांड अवेयरनेस इतनी थी कि सडनली आप ऊपर आ गए। बींग रिमेम्बर्ड मतलब अगर किसी ने आपको याद रखा है तो मतलब वो कंसिडर कर रहे हैं आपसे या तो बात करना या आपके बारे में ध्यान रखा है तो किसी को बताएंगे जरूर। अब बींग फाउंड कैसे होगा? बींग फाउंड होगा वेबसाइट से, एसईओ से, सोशल मीडिया से। अगेन द गूगल फैमिली, द मेटा फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स टू डू। देन बींग रिमेम्बर्ड इज बाय क्रिएटिव कम्युनिकेशन। अब मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जिनके बारे में बात करते हैं, चाहे हम नाइकी की बात करें या हम ऊबर की बात करें या मैकडोनल्ड्स की बात करें, हमेशा हम जैसे ही इनके ब्रांड के बारे में सोचते हैं कुछ ना कुछ चीज हमारे ध्यान में आती है इनके ब्रांड से रिलेटेड, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, ब्रांड से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं प्रोडक्ट, ब्रांड और बिजनेस में क्या फर्क है। मोस्ट एमएसएमईज आर बिजनेसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रांड एंड अ प्रोडक्ट, सॉरी ब्रांड एंड अ बिजनेस? सो ब्रांड्स आर मेड इन द माइंड एंड बिजनेसेस आर मेड इन द फैक्ट्री। दैट्स द फर्स्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं फिर से ये सेंटेंस बोलती हूँ, जो ब्रांड है वो दिमाग में बनाया जाता है और जो बिजनेस है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो प्रोडक्ट्स बन गए तो बिजनेस बन गया, धंधा बन गया, बट उसको अगर रिमेम्बर करवाना है लोगों को बार बार तो हमें एक अच्छा क्रिएटिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को एक ब्रांड बनाने पर फोकस करें, जिसका डिफिकल्ट तरीका, आई वुडन्ट से डिफिकल्ट बट लॉन्गर तरीका थोड़ा सा है कि आप कंपनी के क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो। बट सबसे इजी तरीका एज एन एमएसएमई ओनर इज अपने आप पे फोकस करना शुरू करो, खुद कंटेंट और वैल्यू देना शुरू करो, बहुत सारे लोग साथ में जुड़ेंगे। पीपल केयर अबाउट पीपल, पीपल डोंट केयर अबाउट कंपनीज। तो अगर आप अपने एमएसएमई का फेस बन सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट विथ द क्रिएटिव कम्युनिकेशन। उसके आसपास पूरी स्टोरी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि द मोमेंट एक बंदा सेंटर में खड़े होकर बोल रहा है ये मेरी इंटेग्रिटी है, ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स है, इतने साल से मैं धंधा कर रहा हूँ,
इंडियन कंपनीज को मैंने सर्व किया है. दिस इज हाउ हैप्पी माई कस्टमर्स आर विद मी. इट इज अ वॉकिंग टॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू यू कैन प्रोवाइड. सो बींग बींग रिमेम्बर. द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑटोमेटिंग बिजनेस लीड्स. अब आप हम बहुत बात कर रहे हैं कि अच्छा बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बट अगर हम इसको बहुत अनऑर्गेनाइज वे में करेंगे कि हम लीड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, लीड कैसे वैलिडेट होगी, कौन कौन से लीड से क्या बात हुई एक्सेट्रा, इसको ऑटोमेट करना और इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है. तो ऑफकोर्स व्हाट्सएप से हमने कुछ कैंपेन रन किया, लीड्स आए. लाइक वी वर डिस्कसिंग पीपीसी कैंपेन को रन किया. पीपीसी मीन्स पे पर क्लिक. पीपीसी कैंपेन को रन किया गूगल पे, वहां से कुछ लीड्स आई एटसेट्रा, बट उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है. सो ऑफकोर्स देर आर मेनी सॉफ्टवेयर, CRM सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल आउट देयर. दे कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड टू योर बिजनेस हैंडल, बी इट विद इवन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट, हर जगह से CRM हैंडल्स लिंक हो सकते हैं और इन बिजनेस लीड्स को बहुत ईजिली ऑटोमेट किया जा सकता है. राइट, हैविंग सेड दैट, द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस लीड्स, अगेन हर MSME में या तो खुद डायरेक्टर्स सेलिंग पे फोकस कर रहे होते हैं और लीड्स को कैटर करते हैं, या फिर अगर थोड़ा MSME ग्रो किया है तो एक बिजनेस यूनिट होती है, एक BD टीम, एक सेल्स टीम होती है MSMEs के पास, अगर थोड़ा पड़ा है MSME. नहीं तो इनिशियल डेज में तो द फाउंडर ऑब्वियसली हैज टू डू एवरीथिंग. सो इन दैट केस ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इजी कि कौन सी लीड रिजल्ट दे रही है, कौन सी नहीं दे रही. अब इससे होता क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से, इट गिव्स इनसाइट्स बैक टू योर मार्केटिंग टीम कि यार ये वाली लीड्स काम कर रही है, ये वाली नहीं कर रही, क्या स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी को चेंज करना है. सो ऑल द डेटा दैट वी हैव इज द लास्ट पॉइंट, ऑल द डेटा दैट वी हैव हेल्प्स अस मेक बेटर डिसीजंस. सो डेटा एनालिटिक्स विल हेल्प अस मेक बेटर डिसीजंस. Now, to share an example with you, it is about, say, a textile machinery company that is our client. वो textile machinery company, again, एक machine जो है वो 14-15 लाख रुपए की average value है machine की. कुछ machines 30 lakhs की भी है, कुछ 4-5 lakhs की भी है, तो average value comes out to be 14-15 lakhs of that machine पे. So they wanted to know हम digitally कैसे grow कर सकते हैं. मैं आपको ये case study क्यों बता रही हूँ, ये चारों पांचों points को cater करते हुए. Big enough company, second largest player in India for textile machinery. अब उनके केस में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमें अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा करना है ताकि व्हाट्सएप स्टेटस हम लगाएं तो लोग व्हाट्सएप स्टेटस हमेशा देखते हैं. व्हाट्सएप स्टेटस के लिए क्रिएटिव बन रहा है तो इंस्टाग्राम पे भी जा रहा है, पिंटरेस्ट पे भी जा रहा है, फेसबुक पे भी जा रहा है, तो सब जगह क्रेडेंशियल्स बन रहे हैं. धीरे धीरे क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंसर था जो किसी एक्सपो पे आया, उसने कवर किया तो उनके 15-20 हज़ार व्यूज आ गए उस पर्टिकुलर वीडियो पे, और धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे. उन्होंने कहा यार इन्फ्लुएंसर तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो कैन वी फाइंड इन्फ्लुएंसर जो मशीनरीज को रेट करते हैं. वी फाउंड इन्फ्लुएंसर्स, उन इन्फ्लुएंसर्स ने यूट्यूब पे चीज़ें रेट करना शुरू कर दिया. देन वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वर ऑल्सो लर्निंग विद देम एज एन ऑर्गेनाइजेशन. स्लोली ग्रेजुअली वी रियलाइज दैट इट इज अ ग्रेट मार्केट, बिकॉज जो भी इंसान कुछ खरीदता है ना वो गूगल पे सर्च कर रहा है कि ये मशीनरी की परफॉर्मेंस कैसी है, इस पर कोई कंप्लेंट तो नहीं आ रही. जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो चार लोगों से सलाह करते हैं कि यार इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कैसी दे रही है, किसी ने खरीदी हो तो उसे फोन करके पूछते हैं. सिमिलर थिंग्स पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू डू व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन अ इन समथिंग. तो लोग यूट्यूब पे जाके रिव्यूज देखते हैं, वो समझते हैं किसकी क्या फीचर्स है, कितना रोटेशन पर मिनट वगैरह, अलग अलग टेक्निकल बिट्स चेक करते हैं. हमने उनके इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स रन करना शुरू किए एंड नाउ यू वोंट बिलीव उनका इन्फ्लुएंसर बिट साउथ इंडिया से इतना अट्रैक्शन आया कि उन्होंने करते करते विद इन द स्पैन ऑफ 8 मंथ्स दे हैव ओपन्ड एन ऑफिस इन हैदराबाद टू केटर टू देयर साउथ इंडियन कस्टमर्स जस्ट बिकॉज द इन्फ्लुएंसर थिंग वर्कड आउट फॉर देम वेरी ब्यूटिफुली एंड दे केप्ट गेटिंग ट्रैक्शन, मोर एंड मोर ट्रैक्शन, इतना कि पूरी एक बिजनेस यूनिट साउथ इंडिया में क्रिएट की जा सकी उसी के अराउंड. सो दिस कुड ओनली हैपन बिकॉज़ हम कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहे थे कि क्या चीज़ काम कर रही है. अगर हम ये कॉन्स्टेंटली ना देख रहे होते कि वेबसाइट पे ट्रैफिक साउथ इंडिया से सडनली बढ़ गया है तो हम साउथ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट ही ना करते, उनको टारगेट ना करते तो अगेन वहाँ से लीड्स ना आती, लीड्स ना आती तो उनका साउथ इंडियन ऑफिस होता ही ना, एग्जिस्ट ही ना करता. सो इट इज दैट चेन रिएक्शन जो 7-8-10 महीने में हमको एक बहुत बड़े बिजनेस यूनिट बनाने पे लेके आया.
Moving on to the next slide. Can I take a quick water break? Till then, if there are questions, we can put it in the chat box and I can cater to them. प्लीज. फाइन I would फाइन just ठीक है. आप break. इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके. मीन वेल किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, नंदिनी जी उसको आंसर कर देंगी. एनीबडी ऑफ अस, आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, कोई डाउट्स आ नहीं रहे. Lovely. Okay. So, are we on the next slide? Yes, ma'am. Radhya, Yes, ma'am. I think we've already discussed this. oh, By mistake, repeated this. yes. Okay. So, what would all this digital marketing lead to? It would lead to enhanced ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता होगा कौन सी लीड्स कहाँ से आ रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस डेट पे किसने रीच आउट किया. अगर एक लीड ने रीच आउट किया है तो कितने दिन बाद उससे फॉलोअप लेना है, उससे जो बात हुई है वो रिकॉर्ड की जा सकती है. एवरी थिंग कैन बी पुट टुगेदर इन अ वेरी वेरी एफिशियंट वे, इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. बिकॉज जब हम सब कुछ डिजिटल पे कर रहे हैं, द ब्यूटी ऑफ डिजिटल इज वो जो स्टोर रहा है, जो एक जगह पे लाया जाता राधे शायद है. किसी का को म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए. राधे आ रही है. हाँ ठीक है, अब हो गया. नंदी जी कैरी ऑन. सर वी हैव टू गो अ स्लाइड अप, ऊपर जाना है, ऊपर वाली साइड पर जाना है. नंदी जी आफ्टर यू फिनिश देयर कपल ऑफ क्वेश्चंस या कुछ हैं चैट बॉक्स में, फिर आप उनको ले लीजिएगा. मैम विच स्लाइड? वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन. स्लाइड नंबर 8 शुड बी ओके. यस, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. सेकंड इज इंक्रीज मार्केट रीच. आपकी मार्केट रीच जहां पे आप एक छोटे से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में थे और छोटे से रीच में थे, सडनली आपकी मार्केट रीच बढ़ जाएगी. और मार्केट रीच बढ़ने से ऑफकोर्स द नंबर ऑफ लीड्स दैट यू कैन केटर टू विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट देर आर लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जो मार्केट रीच एक्सपैंड करने में हेल्प कर रहे हैं, बट लाइक आई सेड, मार्केट रीच इज नॉट दी ओनली थिंग, बिकॉज वो आपको एक ओशन फुल ऑफ शार्क्स में भी डाल रहे हैं जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स आपसे सराउंडेड है. सो इफ यू वॉन्ट टू रियली हैव अ विजन जहाँ पे आपको कंपनी मल्टी फोल्ड ग्रो करनी है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिकॉल वैल्यू. इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ ब्रांड, स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट. एंड देर आर इनफ एंड मेनी स्टेटिस्टिक्स दैट से दैट एनी कंपनी जो अब कॉन्टेंट नहीं बना रही है, दैट इवेंचुअली गोइंग टू बी फेडेड अवे. क्योंकि हर कोई ऑल द टाइम ऑन देयर फोन है, सबका अटेंशन स्पैन लिमिटेड है. अगर आप कॉन्टेंट नहीं बना रहे हो तो आप किसी के दिमाग में नहीं हो. सब एवरीबडी इज सुपर बिजी, एंड नॉट बिजी बिकॉज बहुत काम है, बिजी बिकॉज हमें आदत नहीं रही अपने दिमाग को खाली रखने की. तो हम सोशल मीडिया देखने लगते हैं, जरा भी टाइम बस ऐसे खाली नहीं बैठते, फोन उठा लेंगे, कुछ देख लेंगे. तो ऑलरेडी दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है कि अगर हम उनके दिमाग को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी के पास खुद नहीं पहुंचेंगे वाई आर मार्केटिंग मेथड, दे विल फॉरगेट अबाउट अस. सो कॉन्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल लीड टू बेटर मार्केट रीच एंड इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट. दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन. मार्केटिंग सिर्फ आपके नए कस्टमर्स के लिए नहीं है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको किस तरह एंगेज रखना है उसके लिए भी बहुत जरूरी है. बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो इस पे बहुत एफर्ट टाइम स्पेंड करते हैं बाय टैक्टिकल मेथड्स ऑल्सो. टैक्टिकल मेथड्स यानी कि कुछ दिवाली के टाइम पे कुछ गिफ्ट्स भेजना, हर टाइम ऑफ द ईयर पे कुछ ना कुछ उनको ऑफर देना, कुछ करना ताकि वो उनके टॉप ऑफ द माइंड पे रहे. और किसी भी चीज के होने से पहले 3-4 महीने पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है कि किस तरह से कस्टमर्स को रीच करना है, किन किन को कॉल्स करने हैं एटसेट्रा, ताकि कस्टमर एंगेज कर पाए. बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ऑल ऑफ दिस कैन हैपन इन अ वेरी क्विक. वन टूल दैट आई रेकमेंड एवरी MSME शुड हैव इज व्हाट्सएप बिजनेस, द व्हाट्सएप बिजनेस बॉट दैट इज देयर. व्हाट्सएप फॉर बिजनेस तो मोस्ट MSME के पास होता है, बेसिक कन्वर्जन हो जाता है व्हाट्सएप का व्हाट्सएप बिजनेस पे. बट उसी व्हाट्सएप बिजनेस पे बॉट लगाना इज अगेन वेरी वेरी सिंपल.
I'm not talking about automated message, I'm talking about a WhatsApp chatbot. तो आपको ऑप्शंस दे देता है, वेयर समबडी रीचेस आउट टू यू, वो आपको ऑप्शन देगा दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, डू यू वांट टू स्पीक टू कस्टमर एग्जीक्यूटिव, डू यू नीड माय ब्रोशर, कॉन्टैक्ट अस एटसेट्रा एटसेट्रा करके बहुत सारे आपको ऑप्शन दे देता है. उस ऑप्शन पर जिस पर आप क्लिक करते हो उसके बेसिस रिस्पॉन्स दे देगा. तो जिस तरह IVR लाइन्स होती है जिसमें बोलते हैं एक दबाए दो दबाए, सेम काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन ओवर योर व्हाट्सएप चैटबॉट. एंड इट इज सुपर इफेक्टिव बिकॉज वो सारा डेटा एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करता है, आपको बताता है कौन सी लीड्स, एंड द बिजनेस डेवलपमेंट टीम डजंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. वो हनीमून पीरियड जो होता है ना क्लाइंट के साथ, जहाँ पे हम उसे पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा, वो खत्म हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसे एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए. BD टीम कॉल करती है, बहुत स्पीड अप हो जाता है पूरा प्रोसेस. सो अगेन इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट. Moving on to the next thing, that what are the things that we deal in? Like I think I was asked this question earlier also, ki hum kin products mein deal karte hain. I've already mentioned kaise kaise type of MSMEs hai jinke sath hum jinhein cater kar sakte hain, from services, products, trading companies, etc. Everybody. But I'll just quickly tell you what are the three wings of our company and what do we do in those three wings. So moving on to the next slide. The three wings that we have in our company are creative, IT, and performance. Radha, next slide, please. Radha, slide change कर दीजिए. Right. So there are three wings at our company: creative, IT, and performance. So creative is जहाँ पे again everything from market research, brand strategy, product mock-up, packaging, brochures create करना, strategy बनाना, all those things can happen under creative. IT is where online reputation management, search engine optimization. I mean, to explain it to you in a more easier way, creative is जहाँ पे जितना भी creative understanding, creative communication लगेगा. For instance, social media पे क्या videos होने चाहिए? If an MD is talking, what should be the script? Company के बारे में किस तरह communicate करना है? अगर वो video बन गई तो उसमें क्या subtitles add करने हैं, क्या editing करके read डालनी है? That everything comes under creative. IT में हमारे पास क्या आता है, वी डू वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस एंड बॉट्स. अगेन डेटा स्क्रैपिंग टूल्स आर अ पार्ट ऑफ IT. डेटा स्क्रैप करने के बाद अगर हमें उस डेटा पे ईमेल मार्केटिंग करनी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, IVR कॉल्स चलवाने हैं, वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉल सेंटर टीम ऑल्सो, कि जो जो हमारे पास डेटा फेच हुआ है, इफ एन MSME टेल्स अस दैट वी नीड अ कॉल सेंटर जो इन कॉल्स को कर सके, तो हमारे पास वो टीम भी अवेलेबल है जो कॉल्स कर सकती है. वो आ जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कॉल्स करना. बट अगर हमें व्हाट्सएप चैटबॉट चाहिए, डेटा स्क्रैप करना है और इन कंपनीज को रीच आउट करना है, दैट कम्स अंडर IT. सो दीज आर थ्री मेजर वे, क्रिएटिव, IT एंड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में हमारे पास आता है ऑल काइंड्स ऑफ एड्स दैट वी हैव टू रन, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम्स अंडर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज वेल. SEO आइडियली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IT एंड परफॉर्मेंस. कुछ SEO होता है जो आपको वेबसाइट पे जाके ऑन द पेज करना रहता है, कुछ SEO होता है जिसमें आप रैंकिंग के हिसाब से काम करते हो. इट्स बिटवीन IT एंड परफॉर्मेंस. सो दीज आर थ्री मेजर विंग्स दैट वी हैव एट आवर कंपनी. एंड इन तीन मेजर विंग्स के लिए हमने, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, इन तीन मेजर विंग्स के लिए वी प्रोवाइड दिस एज अ सर्विस ऑल्सो टू द कस्टमर. एंड वी हैव क्रिएटेड अ रेट कार्ड ऑफ सॉर्ट्स वेयर वी शो दैट व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर द ब्रांड्स एंड एट व्हाट कॉस्ट. This is the cost that we do it for most MSMEs, but because IIA has given us this platform, we can do a flat 20% less on the price shared here at a subsidized cost for all the IIA members here on this call. This is so these are the list month. Of. This is a monthly retainer, but this is something that we focus on an ROI-centric approach. Like we discussed, it's not a one-size-fits-all method. So again, speaking to each brand, we can understand that what can be an ROI-centric approach for them. And then we create a proper document. Ki ye hamare KPIs hain, ye KRIs hain, ye achieve karna hai is month. Including the leads, the targets, everything. Right? So this is in a nutshell what we do. I will be happy to take any questions. And connection. Am I audible any better?
हाँ थोड़ा सा बीच में कनेक्शन शायद वाज नॉट गुड, आई थिंक नाउ इट्स फाइन, इट्स ओके विद एवरीबॉडी, कैन एवरीबॉडी हियर इट? कैन एवरीबडी हियर मी? यस सर, आवाज आ रही है हेलो, मैम, आपकी भी आ रही है सर, आपकी भी आ रही है आवाज। हाँ आप ठीक है, ठीक है। नंद जी, आई थिंक देर आर सर्टन क्वेश्चंस इन दी चैट बॉक्स, आप अगर उनको भी देख लें और उसके अगर आंसर कर ओके, लें। सो आई हैव, कैन यू सजेस्ट सम डेटा एक्सट्रैक्टिंग टूल्स? आई कैन, ओके, आई जस्ट गो फर्दर अप, देयर आर मोर क्वेश्चंस। हाउ इज एआई अफेक्टिंग डिजिटल मार्केटिंग अदर देन हायरिंग समवन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग? इज एआई सफिशिएंट इनफ? सो अक्षत सर, लाइक यू आर आस्किंग, इफ यू नो हाउ टू यूज एआई टू योर एडवांटेज, यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स विथ एआई। बट अभी तक हमारे पास इतने एडवांस एआईज नहीं है जो आपके पूरे सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना रहे। बट यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन बाय एआई विथ सम मैनुअल इंटरवेंशन। इट कैन रियली ट्रांसफॉर्म लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सो जहां हम बात कर रहे हैं कॉन्टेंट आइडियाज की, स्क्रिप्ट बनाने की, ब्लॉग्स बनाने की, वेबसाइट का कॉन्टेंट बनाने की, टू सम एक्सटेंट इवन वेबसाइट भी एआई बना लेता है, बट कस्टमाइजेशन स्कोप बहुत लिमिटेड है। सो क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी अभी नई है, तो बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ काम वो बहुत अच्छे से कर सकती है, बाकी काम वो बहुत अच्छे से नहीं कर रही है, बट दे आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। सो विद कमिंग टाइम आई थिंक एआई कैन कम्प्लीटली टेक ओवर, बट वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ दैट इट कैन टेक केयर ऑफ 100% ऑफ योर मार्केटिंग नीड्स एज येट। ओके, यस, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन। नो प्रॉब्लम। अक्षत अक्षत जी, इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? आपके क्वेश्चन यस का सर, जवाब हो गया? फाइन, जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू अक्षत। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क नंदिनी समथिंग? राइट, सो देन डेटा एक्सट्रैक्टिंग टूल्स, आई विल शेयर अ फ्यू लिस्ट ऑफ टूल्स। आई हैव टूल्स अवेलेबल विद मी। आई शेयर अ फ्यू लिस्ट ऑफ टूल्स दैट एमएसएमईज कैन यूज टू एक्चुअली फाइंड मोर अबाउट देयर कंपेटिटर्स एटसेट्रा टू आराध्या, एंड शी कैन सर्कुलेट इट टू एवरीबडी। बट वी डू हैव सम वेरी वेरी गुड टूल्स आउट देयर टू एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल डेटा वेरी स्पेसिफिक इफ यू वॉन्ट। देयर इज अ टूल कॉल्ड स्नोवियो, SNOV.io, दैट हेल्प्स यू विद द फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज ऑफ एवरीबडी दैट यू वॉन्ट। किसी का भी आप लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दो तो आ जाएगा। आप उनका, अगर आप उनका जुर्बा कॉप से वो भी सर्च कर लेते हो, द डिन एंड ऑल, अलग अलग मेथड्स हैं, बट वो फेच करके दे देता है डेटा। एनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कैन बी फेच्ड बाय स्नोवियो, एंड देर आर अदर टूल्स लाइक दैट एज वेल। देन देयर इज अ क्वेश्चन बाय ऋषभ जी, इज देयर एनी डेडिकेटेड टीम फॉर प्रमोशन इन रूरल एरियाज एंड फार्मर्स? सो ऋषभ जी, आई हैव माई सेल्फ वर्क वेरी क्लोजली विद पीपल इन द रूरल एरिया। आई मीन, आई वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, विच इज अ नॉन प्रॉफिट रन बाय टाटा ग्रुप, एंड देयर वी वर्क फॉर द रूरल एरियाज एंड फार्मर्स, एंड वी डू अ लॉट ऑफ CSR एक्टिविटीज अराउंड इट। आप मुझे एग्जैक्टली यूज केस बता पाएंगे तो आई कैन टेल यू हाउ कैन आई हेल्प यू बेटर। देन जी, ओके, सो बेसिकली आई वांटेड नो, डू यू हैव एनी टूल्स विच कैन सेग्रीगेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग यूज्ड से 80-20 रेशियो और 70-30, आई एम नॉट श्योर अबाउट द परसेंटेज बिटवीन द रूरल मे बी व्यूअर्स और द अर्बन व्यूअर्स। सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक टीम? लाइक माइन प्रोडक्ट इज मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द रूरल इंडिया, सो हाउ कैन वी, आई मीन हाउ कैन यू बी हेल्पफुल फॉर टारगेटिंग दोज कस्टमर्स ओनली? फर्स्ट पॉइंट। अंडरस्टूड। सो इंटरेस्टिंगली, सो इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज मोर रूरल इंटरनेट यूजर्स दैन अर्बन। इट इज द ओनली कंट्री। देर आर 54% रूरल इंटरनेट यूजर्स, एंड द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म बिटवीन दीज यूजर्स इज यूट्यूब। आप किसी भी छोटे शहर में चले जाइएगा तो आप हमेशा वहां पे देखेंगे कि यूजुअली एक फोन होता है, एंड स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, एक फोन होता है विच इज मोस्टली फादर्स,
एंड सब बच्चे उसी को यूज करते हैं पढ़ने के लिए भी, बच्चे उसी को यूज कर रहे हैं कुछ सर्च करने के लिए भी, मदर भी उसको यूज कर रही है अगर वो कुछ नया बना रही है तो अगेन यूट्यूब हमें एज पीपल वॉन्ट टू एडवर्टाइज ऑन यूट्यूब, यूट्यूब हमें ये डेटा देता है कि कौन कौन सी वीडियोज किस जगह के लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, द टाइप ऑफ कॉन्टेंट. सो वन ऑफ द वेज इज दैट वी कैन रन यूट्यूब एड्स, बट अगेन दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन बजट. The other way is that we start creating content on YouTube for our target audience, और जब वो search करेंगे, and vernacular content works very well on YouTube. तो अगर आप एक certain language में content बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको result देगा, क्योंकि again बिल्कुल छोटा शहर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा typing वगैरह लोग ना करके what they do is they use a mic and they write they speak. व्हाटएवर दे स्पीक उस हिसाब से सर्च रिजल्ट आता है. हिंदी में बोलेंगे तो वो हिंदी में लेगा जो टेक्स्ट है, तो आपको उसी तरह से कॉन्टेंट फ्रेम करना रहेगा इन द यूट्यूब एसईओ ऑल्सो, दैट इंग्लिश में भी लिखा हुआ है टाइटल, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि उसको कैच कर पाए एल्गोरिदम, एंड देन पीपल विल स्टार्ट कैचिंग अप. यूट्यूब इज योर प्लेटफॉर्म बेसिकली फॉर गूगल. Okay, that's very good. Now, one more, I mean, it's a little different question. Like, if I want to make a small ad for 30 seconds, 60 seconds or so, and do you have any contracts or any links with the celebrities? Like you have, say, 20 ruler clients, and we can, you know, get that celebrity or that particular famous influencer at the low cost. Do you have certain tie-ups with your company, with those people? Yeah, we do manage talent also, and we do have tie-ups. I think if we can connect after this call to understand your specific requirement, I can guide you better on which kind of people would work better. And I'll be happy to share my portfolios with you, and whatever would make sense, we can discuss further. I don't know the exact product, so I'm answering this very vaguely. Pardon me for that. Okay. Okay, I'll get in touch with you. Thank you. Thank you. Thank you Great so presentation. Thank you. Fine. कोई और हमारे उद्यमी जिनको कुछ पूछना हो नंदी जी से? Because already 5-10 हो चुके हैं. पांडे जी, आप प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. मेरी एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी डॉक्टर. हाँ जी, आ रही है. थैंक यू मैम. थोड़ी सी डिस्टर्ब है, मैं ट्रैफिक में हूँ. मैडम, हमारे जो कस्टमर हैं फार्मर्स हैं डायरेक्ट, और फार्मर्स को अपने सब्जेक्ट के बारे में एजुकेट करना, अवेयर करना, इट्स ए डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट टास्क, राइट? पर्टिकुलरली हर दो डिस्ट्रिक्ट पे, तीन डिस्ट्रिक्ट पर लैंग्वेज तक भी बदलने लगती है. और इफ यू टॉक अबाउट स्टेट्स, तो वहाँ पे एक डिफरेंट स्टोरी. सो यू नो, कवरिंग पैन इंडिया, हम सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, कवरिंग पैन इंडिया फार्मर्स विद यू नो लेसर यू नो फार्मर एजुकेशन एंड लेसर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, कैसे इसको आप सजेस्ट करते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ डिजिटल टूल्स यूज कर सकते हैं, करना चाहिए? राइट. सो सर, अगेन फार्मर्स को रीच करने के लिए अ लॉट ऑफ टाइम्स तो फार्मर्स के पास स्मार्टफोन भी नहीं होता है. सो आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ अस नो अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड प्रोटीएन. हियर प्रोटीएन का अगर हमने नाम सुना होगा, दे वर्क वेरी क्लोजली विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल फॉर अगेन किसी को आधार कार्ड बनवाना है, कुछ बनवाना है, तो प्रोटीएन जैसी कंपनीज हैं जो इंटरवीन करती. So there we happen to even Protean, Protean. So again, for companies, when we worked with them, we realized that a lot of the people that who we had to talk to understand about the challenges that they're facing, because we were doing a market research project for them. कि market research करके समझ पाए उन्हें क्या-क्या process में कैसे challenges आ रहे हैं और कैसे improve किया जा सकता है. So our the people we had to talk to were truck drivers. People we had to talk to were either mostly koi school nahi gaye hain ya rural women hain jinse baat karni hai ya
जो डेली इधर उधर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, स्मार्टफोन्स भी नहीं है. तो अगेन वन थिंग दैट वी डू फॉर दिस काइंड ऑफ सेंसिटाइजेशन इज हम लोग के पास कुछ एक्सेसेस रहते हैं ऑन ग्राउंड टीम्स के भी, जो अगेन मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती बट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करती है. अगर हम ग्राउंड माइलेज की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन, द वे टू गो अबाउट इट इज अगेन लाइक आई सेड, यूट्यूब इज द बेस्ट मीडियम फॉर इट. फेसबुक इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड मीडियम. एंड इंटरेस्टिंगली सो, अगर हम कुछ फार्मर्स के अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो मेटा से टाई अप भी इस तरह से किया जा सकता है कि मेटा आपको CSR क्रेडिट्स देता है. सो मेटा बोलता है आप मेरे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करो, आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट. सो व्हेन मेटा गिव्स यू क्रेडिट, यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू दोस इंटीरियर एरियाज. और मेटा के पास तो है ही डेटा ऑलरेडी, मेटा ने क्रेडिट दिया है, मेटा के पास डेटा है, तो आपको वो लास्ट माइल रीच देता है व्हेन वी गो अबाउट इट. बट दैट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इफ आवर प्रोडक्ट इज सच. इफ इट्स अ कमर्शियल प्रोडक्ट, इट हैज टू बी यूट्यूब, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑन ग्राउंड टीम इफ वी कैन अगेन वी इट्स वायबल फॉर अस. एंड अगर उसको हम कंबाइन कर सके विद अ गुड कॉल सेंटर टीम इफ द पीपल आर नॉट स्मार्टफोन यूजर्स. एंड वी डू फॉर्चुनेटली हैव एक्सेस टू गुड कॉल सेंटर टीम्स, सो वी कैन डिस्कस द स्कोप ऑफ दैट सर. भाई मैं नंदनी जी एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी हमने सारी सर्च इंजन और सब बात करी, मार्केट प्लेसेस की कहीं बात नहीं आई, तो इस मार्केट प्लेस पे मार्केटिंग या इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग? मार्केट प्लेस की जब हम बात करें, अभी टॉकिंग अबाउट इट फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस, D2C बिजनेस एंड यस कॉमर्स बिजनेसेस, यस यस आई एक्चुअली डिड हैव दैट एज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, बट आई रिमूव्ड इट ऑन पर्पस बिकॉज आई डिड नॉट नो इफ देयर विल बी ई कॉमर्स बिजनेसेस हियर. बट टू एड्रेस दैट, वी डू वन ऑफ द मेजर थिंग्स इन ई कॉमर्स इज रिव्यू रेटिंग रैंकिंग. अगर आपके प्रोडक्ट्स की रिव्यू रेटिंग रैंकिंग, जिसको हम इंटरनली R-क्यूब्ड सॉल्यूशंस बोलते हैं, आपकी रिव्यू रेटिंग रैंकिंग्स अच्छी है, तो आपको लोग खरीदते हैं. बिकॉज मार्केट प्लेस पे अगेन इंसान ब्रांड नेम कम देखता है अनलेस दे आर बाइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रांड. इफ आई वॉन्ट टू बाय कैंडल्स, आई विल नॉट केयर इफ इट्स फ्रॉम कंपनी कॉल्ड आराध्या और इट्स फ्रॉम, सॉरी आराध्या, नो नो ऑफेंस, आई इट जस्ट ट्राई डिड स्ट्राइक मी. मैंने सो इट्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड आराध्या कैंडल्स और नंदिनी कैंडल्स और वट एवर एल्स, राइट? सो इट कैन बी एनी बडी, बट आई एम सर्चिंग फॉर कैंडल्स एंड जो मेरे को अच्छा प्राइस मिल रहा है मैं उससे खरीद रही हूँ, राइट? तो मार्केट प्लेस पर रिव्यू रेटिंग रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी डू ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट फॉर ब्रांड्स लाइक दैट. एंड आई सजेस्ट एवरीबडी अपने फ्रेंड्स फैमिली को बोलिए कि उसे खरीदे, चाहे आप उनसे वापस कैंडल लेके उन्हें रीइंबर्स कर दीजिए. पर एक तो वो चीज़ है जो हमें करनी चाहिए. द सेकेंड थिंग इज ऑफकोर्स वी कैन डेफिनेटली रन एड्स ऑन मार्केट प्लेसेस. चलो फाइन 500 रुपये से मैडम, आपका ईमेल एड्रेस और क्या एड्रेस है? ईमेल सर, एड्रेस क्या है? मैं ईमेल एड्रेस और नंबर लिख दिया दोनों बाद में कुछ वो चैट में लिख मैम के दीजिए। पास. हाँ हाँ मैम लिख रही है, चैट में लिख रही है भी, जो उनसे कांटेक्ट करना चाहे बाद में कर लें। शी इज रिटन इट, लिख दिया मैम ने, आप अच्छा प्लीज नोट कर लें वहां से। राइट. आराधा, आई शेयर द डिजिटल बिजनेस कार्ड ऑल्सो इफ यू कैन शेयर इट विद एवरीवन, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके मैम. परफेक्ट. आई थिंक वी हैव टू मोर क्वेश्चंस. राजेश सर एंड संजीव सर हैव सम क्वेश्चंस. हाँ बस लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं मैम, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 580। बाकी फिर जो भी होंगे आपसे वन टू वन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या श्योरली. प्लीज एनी फर्दर क्वेश्चंस? जी राजेश सर, समबडी इज आस्किंग इन टुडेज टाइम विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑन विच कंपनी वेबसाइट ब्रांड ई कॉमर्स वेबसाइट शुड बी प्रेफरेबली मेड। इन टुडेज टाइम विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन विच वेबसाइट कैन बी मेड. सो आई पर्सनली आई डोंट थिंक आई मेंशन्ड वर्डप्रेस इन माय स्लाइड. आई मेंशन्ड वेबसाइट्स, आई मेंशन्ड WS व्हिच वाज वेबसाइट. बट आई मीन आई जनरली सजेस्ट ऑल माई क्लाइंट्स दैट वी कैन चूज टेम्पलेट्स फ्रॉम
the internet, but it is always better to make it on your own servers and make it in a way more equipped technology where you have the access to the code instead of WordPress. Because मैंने बहुत सारे पीछे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट इजीली हैक करके एक अडल्ट साइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कंपेटिटर्स की साइट रीडायरेक्ट कर देते हैं एटसेट्रा. बट फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स शॉपिफाई इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड इट इज ऑल्सो सेफ. आई हैवन्ट सीन सच केसेस विद शॉपिफाई. द सिक्योरिटी इज वेरी गुड. शॉपिफाई पे भी अच्छी तरह से वेबसाइट बनाई जा सकती है विद टेम्पलेट्स, विद सम कस्टम कोडिंग एंड फुल कोडिंग. शॉपिफाई तीनों तरह के मेथडोलॉजीज आपको देता है, सो दैट इज अवेलेबल. बट इफ यू आस्क मी दैट इट्स अ गुड कंपनी एंड यू नीड अ वेरी डिटेल्ड वेबसाइट ऑन इट, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अ कोडेड वेबसाइट विद अ गुड डिजाइन लैंग्वेज. बिकॉज आपको टेम्पलेट्स में बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं मिलती है अपने पसंद के डिजाइन को एक्सप्लोर करने की. बट अगर सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट है विद इंफॉर्मेशन एंड विद कपल ऑफ पेजेस, देन टेम्पलेटेड वेबसाइट्स कैन बी डन. बट वर्डप्रेस वुडंट बी माई फर्स्ट चॉइस. Fine, I think we have had all the questions done. So I'll just would end the session today's here. Thank you, Nandini ji. बहुत ही अच्छा और एक knowledgeable ब्रीफ आपने हमें एक पिछले 1 सवा घंटे में दिया. एंड आई फील ऑल दी पार्टिसिपेंट्स टुडे वुड डेफिनेटली रिमेंबर दिस सेशन. यू स्पोक अबाउट द पुश मार्केट, द बुल मार्केट. सुना सबने था पर समझा शायद आज है. वेबसाइट और बहुत सारी जो चीजें हैं, बिकॉज एज आर प्रेसिडेंट नीरज जी सेड इन द बिगिनिंग, वी ऑल आर मैन्युफैक्चरर्स. हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं. वी आर एक्सपर्ट इन मेकिंग आर प्रोडक्ट, पर बात वही आ जाती है प्रोडक्ट बन गया, अब उसको बेचे कैसे. कन्वेंशनल तरीके हैं, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑल दोज थिंग्स. But yes, digital is the in thing these days. And even I am into exports, fashion industry में हूं, तो वो B2C और B2B सारी समझ रहा हूं. बट हाँ, इतनी डिटेल मुझे भी नहीं पता थी. एंड आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प मी, एंड मे बी वी कैन कनेक्ट लेटर ऑन. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू नंदिनी जी. और मैं समझता हूं कि आप आज के सेशन के बाद जरूर कुछ ना कुछ समझे होंगे, और डेफिनेटली अपने बिजनेस को बढ़ाने में आपको आज का सेशन मदद करेगा. थैंक यू नंदिनी जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी. अध्यक्ष जी नहीं है तो मैं उन्हीं की तरफ से आपको आज के लिए धन्यवाद कहता हूं. थैंक यू सो मच मुझे आमंत्रित करने के लिए. बहुत बहुत मजा आया आप सबसे बात करके एंड बहुत खुशी हुई जान के दैट आई कुड गिव सम वैल्यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग एनीबडी हु लुक्स फॉरवर्ड टू ग्रोइंग देयर बिजनेस. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक टू एवरीवन एंड स्पेशली टू यू नीरज जी एंड आराध्या फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद मी एंड मेकिंग दिस हैपन. थैंक यू मैम. थैंक यू जी. थैंक यू आराध्या. लेट्स कॉल इट गुड. सर ओके. थैंक यू.